हेलो गाइस मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और बेहद खुशी है मुझे कि मैं सिद्धार्थ कन जी के शो पे हूं एम्पावरिंग आईकन्स और अगर आप चाहते हैं कि अपने इनर वर्ल्ड को मास्टर करना अपने इनर well को परसू करना और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना तो जरूर देखिए मुझे सिद्धार्थ के साथ लेडीज इंड जर्मन आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स है लाइफ कोच मेटोर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ऑथर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर टाइम्स फोर्टी अंडर फोर्टी में टॉप मोस्ट इन्फ्लू का खिताब अप्रिशिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बहुत कुछ ये लोगों की जिंदगी आप बदलते हैं क्या मेरी जिंदगी भी बदलने वाले है कि नहीं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौर कैसे हैं आप थैंक यू सिद्धार्थिंग कैसे हो भाई गुड टू बहुत बढ़िया कोई टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में yes. तो, लगा, yes, ये मेरे साथ हुआ है, तो लोगों के साथ भी हो सकता है वो क्या था यस yes, मुझे बचपन से एक फ़ोबिया रहा है पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया तो जब ग्रुप सेटिंग है तो उसमें तो मैं बोल पाता था वन टू वन है या ग्रुप सेटिंग है तो लेकिन जब बात स्टेज पे बोलने की आती तो फिर पूरा हार्ट ऐसे पाउंड करने लगता जैसे ड्रम बज रहे हो अंदर पूरा रेडनेस आती थी चेहरे पे कान लाल पड़ते थे पैर शिविर करने लगते थे बायोलॉजिकल एंजाइटी रिस्पॉन्स जो होता है वो शरीर पैदा कर रहा था उस टाइम पर और प्लस इस डायरेक्शन में आना भी चाहता था तो आई वर्कड अपॉन माई सेल्फ तो वो जो फोबिया था उस फोबिया को जब मैंने ओवरकम किया उस पॉइंट पे मुझे बड़ा ये रियलाइजेशन आया कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदर कई डर लेके चल रहे हैं कई ऐसी सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं जो अंदर लेकर के चल रहे हैं अपनी थॉट्स को इमोशंस को फीलिंग्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट आया कि मुझे और ज़्यादा पैशन डेवलप हुआ कि मैं ज़्यादातर लोगों तक पहुँचूँ कि अगर मैंने इस फोबिया को इस डर को ओवरकम किया है तो आई वॉन्ट टू हेल्प अदर पीपल ऑल्सो प्लस आई ऑल्सो हैड एंग्जाइटी न्यूरोसिस जो कि एक जनरल एंगजाइटी थी वो एंग्जाइटी न्यूरोसिस भी मुझे हुई भी थी मैंने उसको भी ओवरकम किया तो वहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर पॉइंट मिला कि दैट इफ़ समथिंग इज़ हेल्पिंग मी वाई नॉट टू टेक इट आउट टू अदर पीपल एज़ वेल जब आपके साथ एंगजाइटी इश्यूज़ हो रहे थे कि आपको वक्त लगा ये समझने के लिए कि हाँ मेरे साथ कुछ हो रहा है बिकॉज बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि उनके साथ एनजाइटी इश्यूज हैं क्या आपने बहुत अर्ली yes. समझ लिया है आपके बारे में हाँ मतलब अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं खुद को समझते हैं तो थोड़ा समय तो लगता है मगर पता चल जाता है मतलब कि विद अननेसेसरी वरी होना विदाउट एनी रीजन लॉट्स ऑफ नेगेटिव थिंकिंग्स लॉट्स ऑफ वरी यू आर जस्ट सिमिलेटिंग नेगेटिव सिनारी ऑफ लाइफ कि क्या क्या गलत हो सकता है ओनली सिम्यूलेटिंग द रॉन्ग सिनारी नेगेटिव सिनारीओज़ और यू आर रिमिनेटिंग इन योर पास्ट तो इधर यू आर सिम्यूलेटिंग नेगेटिव सिनारी फॉर फ्यूचर और यू आर रिमिनेटिंग इन योर पास्ट एंड मेमोराइजिंग दोज थ्रेटनिंग इवेंट्स सो इससे काफ़ी क्लियरली पता चल जाता है कि देर इज एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग इन साइड एंड फ्रॉम देयर यू नो दैट यस देर इज़ अ प्रॉब्लम दैन यू वैन टू डॉक्टर यू डायग्नोस एंड दिस इज हाउ इट हैपन्स जब आप लाइफ कोच बने राइट right? वो कौन सा मोमेंट था आपके लिए जो आपने कहा यार थैंक गॉड मैं इस प्रोफेशन में यस देर आर मेनी सच मोमेंट्स एक्चुअली बिकॉज आई एम इन लाइफ कोचिंग ऑल्सो आई एम मोस्टली फोकसिंग ऑन मेंटल वेलनेस इनर वेलनेस राइट सो आई हैव सीन सो मेनी केसेस ऑफ पीपल कमिंग टू मी हैड एक्सपीरियंसड अब्यूज देन एंजाइटी डिप्रेशन many of them were suicidal so when you are able to help somebody to come out of suicide or come out of depression so it really makes you feel good and it it really empowers you from within that you want to work more for people like them आजकल से कहीं पे भी मैं जाता हूं मैं ये word depression पहले से ज्यादा सुन रहा हूं Yes. कुछ लोगों का कहना है कि डिप्रेशन हमेशा था इस एक्सटेंट में सोसाइटी पर बट लोग बोलते नहीं थे और आज लोग ओपनली बोल रहे हैं मैं देख रहा हूँ यंग यंग उन्नीस बीस इक्कीस साल के डिप्रेस्ड है yes. क्या प्रॉब्लम है उनके साथ इस वक्त सिर्फ पहले ये कहना गलत होगा कि पहले बहुत ज़्यादा था और अब सिर्फ जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया आ गया तो हमें ज़्यादा पता चल जाता है ये कहना गलत होगा डिप्रेशन के राइट right नाउ अगर आप भारत में देखें तो लगभग लगभग थर्टी सिक्स मिलियन केसेज हैं डिप्रेशन के और ये बढ़ रहा है इंडियन साइकट्री सोसाइटी कहती है कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और कोरोना के बाद जो है और ज़्यादा बढ़ने लगा है तो इसके रीज़न्स हैं एक्चुअली एक एक जो सबसे बड़ा रीज़न है कि आज हम एक ऐसी जनरेशन का हिस्सा है जहाँ पे वी आर द मोस्ट कनेक्टेड डिसकनेक्टेड जनरेशन है वह कनेक्टेड यस या पैराडॉक्सिकल लगता है बट कनेक्टेड इसलिए बिकॉज आज सोशल मीडिया के जरिए हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं लेकिन कई बार डिनर पे आप परिवार के साथ बैठे हैं लेकिन उस फिजिकल वर्ल्ड से अपनी फिजिकल रियलिटी से डिसकनेक्टेड हैं उस डाइनिंग टेबल में बैठे लोगों से डिस्कनेक्टेड हैं और उस वर्चुअल रियलिटी से कनेक्टेड हैं सो so, एक पॉइंट पे वी आर कनेक्टेड बट एट द सेम टाइम वी आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंड ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन बॉडी इज डिज़ाइन टू लिव इन रियल वर्ल्ड इट इज़ नॉट डिज़ाइन टू लिव इन द वर्चुअल वर्ल्ड सो टुडे नंबर वन प्रॉब्लम इज डिसकनेक्शन दैट वी आर कनेक्टेड बट स्टिल वी आर डिसकनेक्टेड

सो so, हम बेसिकली इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड के अंदर अपने ब्रेन को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार हो रहे हैं कि सब चीज़ें तुरंत चाहिए तो वो जो पेशेंस को कल्टिवेट करना है वो टोटली totally मिसिंग है तो टू मच कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन दिस इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग द मेंटल हेल्थ सो फर्स्ट इज डिसकनेक्शन सेकेंड इज़ डिस्ट्रैक्शन एंड थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो है वो है सोशल कंपेरिजन बिकॉज ऑफ़ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया दर इज़ लॉट ऑफ सोशल कंपेरिज़न आज लोग अपने पार्टनर का या दोस्तों का या पुराने स्कूल के दोस्तों का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते हैं उनकी ट्रेवलिंग देखते हैं खुश होते हुए देखते हैं उसको देख कर के अंदर एक कंपैरिजन लेकर के आते हैं कि मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल बेकार चल रही है मेरे मेरे पास तो ऐसी ज़िंदगी नहीं है बट एक रियलिटी मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि सब लोग उतने खुश नहीं हैं जितने वो अपने इंस्टाग्राम पर दिख रहे हैं <coughs> <coughs> और तो बिकॉज वी आर नॉट प्रोजेक्टिंग अवर फेलियर्स ऑन सोशल मीडिया सो ये सोशल कंपेरिजन जो है वो अब बहुत ज़्यादा हो गया है पहले आप जिस सोसाइटी में रहते थे जनरली वहीं पे सोशल कंपैरिजन चल रहा था अब सोशल कंपैरिजन का जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है सो so, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये मेंटल हेल्थ जो है वो डिटेरिट होती है क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में हम लोग ह्यूमन बींग्स नहीं साइबॉर्ग्स को रेज कर रहे हैं यस yes, काफ़ी काफ़ी हद तक है और इनफैक्ट ये डिबेट तो खैर कि सोशल मीडिया राइट है टेक्नोलॉजी राइट है गलत है ऐसे डिबेट्स हमेशा से चलते आए जब न्यूज़पेपर आए थे तब भी आप देखें लोग डिबेट कर रहे थे कि ये सही है कि गलत है टी आई तो हमेशा डिबेट बून और वैन का डिबेट हमेशा चला है मोबाइल आया तो मोबाइल पे डिबेट हमेशा चला और अब सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी आ गई तो इस पर भी डिबेट हमेशा बॉटम लाइन में डिबेट ही चल रहा है हाँ डिबेट चल रहा है और मेन चीज़ ये है कि इट्स नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया इट्स अबाउट हाउ यू यूज़ इट इफ़ वी आर यूजिंग टूल कॉन्शियसली देन इट विल बी यूजफुल टू अस बट इफ़ वी आर यूजिंग इट कंपल्सिवली एक एडिक्टेड वे में और कंपल्सिव वे में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए परेशान होगा परेशानी क्रिएट करेगा जैसे कि अगर आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है जिस दिन मोबाइल आपको यूज़ करेगा उस दिन गड़बड़ होगी आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम रील सब यूज़ करो लेकिन आप यूज़ कर रहे हो तो बढ़िया है जिस दिन ये आपको यूज़ करने लग जाएंगे उस दिन सब बिगड़ जाएगा आई हैव बिन टोल्ड इनफैक्ट मैं एक सेमिनार होस्ट कर रहा था जहाँ पे किसी डॉक्टर ने कह दिया ये कि मैंटल हेल्थ अब नया पैंडमिक है इज दट ट्रू इट इज ट्रू इफ यू इवन लुक एट द काउंट्स नंबर्स फिफ्टी सिक्स मिलियन से ज़्यादा एंगजाइटी के केसेज हैं थर्टी सिक्स मिलियन से ज़्यादा डिप्रेशन के केसेज हैं प्लस बारह से अट्ठारह परसेंट के बीच में डिप्रेशन रेट्स बढ़ रही हैं स्ट्रेस लेवल बढ़ चुके हैं हम डायबिटीज़ के कैपिटल बन रहे हैं ओबेसिटी बढ़ रही है ये जो हमारी डिट्यटिंग फिजिकल हेल्थ है ये फिजिकल हेल्थ कहीं ना कहीं हमारे इनर वर्ल्ड का ही तो एक्सप्रेशन है जो बाहर आ रहा है सो ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ डिट्यरेट हो रही है और फास्ट पेस्ड लाइफ में हम जी रहे हैं जहाँ पे हम या तो पूरा फोकस अपने वर्क पे डाल दे रहे हैं और पर्सनल इम्प्रूवमेंट पे अपनी थॉट्स अपने इमोशंस अपनी, अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने के लिए कोई ज़्यादा टूल्स भी अवेलेबल नहीं है सो so, हमारे साथ जो सबसे बड़ी ट्रेजिडी हो गई है वो ये हो गई है कि भगवान ने हमें भेजे के साथ तो भेजा भेजे में भेजा भी भेजा लेकिन इसके साथ कोई ट्रेनिंग मैनुअल नहीं भेजा कि इस इस माइंड को कैसे यूज़ करना है उसका कोई ट्रेनिंग मैनुअल नहीं है हमारे पास में कि थॉट्स इमोशंस को कैसे मैनेज करें सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर स्ट्रगलिंग टू मैनेज देयर थॉट्स मैनेज देयर इमोशंस एंड मैनेज देयर फीलिंग्स दैट्स वाई इट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज एंड बैड लाइफ हैबिट्स और जिस वजह से ये मेंटल हेल्थ तो क्योंकि मैं इतने सालों से इंटरव्यूज कर रहा हूँ बॉलीवुड स्टार्स के एक्टर्स के तो

शायद 24 घंटे की फ्लाइट पकड़ के आए होंगे, मेहनत करके होंगे, कभी कभी पूछ के आपको सेल्फी लेना चाहिए राइट। right. किसी का कहना है यार ठीक आप, हो। आप सेलिब्रिटी होता है right. How do they handle that? कि दो पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट होते उनके अंदर होता है आपके अनुसार यस मेनी टाइम इट इनफैक्ट see how these all are states anger frustration so these are basically mental states and we all go through different kind of mental states throughout the day but the problem is that uh, whenever you have certain negative emotion or mood swing inside you right and you don't want to express it in the outer world you have to exercise your willpower to control your impulse Now willpower is a limited resource its not uh, like unlimited paas available hai. जैसे जैसे हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं वैसे वैसे विल पावर डिक्लाइन होती है सो so, अब जब कोई सेलिब्रिटी uh, या कोई हीरो इस तरीके से बिहेव करता है तो वी ऑल्सो हैव टू लुक इन टू द फैक्टर कि वो दिन भर जब इतनी एनर्जी अपनी लगा रहे हैं अपने काम में और बाकी चीज़ों में जब लगा रहे हैं और इतने सारे डिसीजनस लेते हैं एवरी डिसीजन कंज्यूम्स एनर्जी सो so, आपकी जो विल पावर का रिसोर्स है कि जो इम्पल्स आपके अंदर से आ रही है उस इम्पल्स को कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी विल पावर से जनरेट होती है तो आपका जो इम्पल्स क्रिएट हो रही है जब आपकी विल पावर है तो आप आराम से उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं उसे स्टेबलाइज कर सकते हैं बट सपोज शाम का टाइम है या फिर उनकी नींद प्रॉपरली नहीं होती नहीं हुई है राइट right? तो नींद का प्रॉपर ना होना रेस्ट रेजुनेशन का ना होना इन सब चीज़ों की वजह से विल पावर वीक होने की वजह से उस टाइम पर वो इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते मगर एक या दो इंसिडेंट से उनके कैरेक्टर पे जज करना या उनकी पर्सनालिटी को जज करना दैट्स नॉट अ राइट वे वो सही तरीका नहीं है क्योंकि हो सकता है आपकी ये पहली सेल्फी है लेकिन आपको नहीं पता वो बंदा कितनी देकर के आया है आपके पास एक लवली वाइफ है एक चार साल का बेटा भी है राइट हाउ डज योगेंद्र द लाइफ कोच मैनेज लाइफ एट होम या जो ये हालांकि क्लिश है मगर बहुत सच है कि जब आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप तभी कर पाते हो जब आपके पीछे आपकी वाइफ या फैमिली है जो कि टेकन केयर कर रही है बहुत सारी चीज़ों की सो आई थिंक मेरे लिए आसान हो जाता है बिकॉज माई लाइफ माई वाइफ इज़ वर्किंग बट स्टिल शी मैनेजेस वेरी वेल सो शी अंडरस्टैंड माई पैशन एंड पर्पज सो शी सपोर्ट्स मी इन माई पर्पज शी सपोर्ट्स मी इन माई पैशन एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एम एबल टू मैनेज इट स्मूथली बाकी समय तो हम एक साल में चार पाँच हॉलीडेज प्लान करते हैं सो क्वालिटी टाइम क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है मगर क्वालिटी टाइम बहुत स्पेंड करते हैं क्या अभी ऐसा कभी पॉइंट हुआ है जब किसी ने आपको बताया कि वो सुसाइडल टेंडेंसीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सुसाइडल है और आपने उनसे बात करके उनको वहाँ से हटा दिया इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दम आउट ऑफ द सुइसाइडल थाट्स किया आपने यस yes, ऐसा बहुत सारे केसेज हैं हंड्रेड से भी ज़्यादा होंगे ऐसे केसेस और जनरली uh, जब इंसान सुसाइडल होता है सुसाइड्स भी अलग अलग प्रकार की होती हैं जनरली हमें लगता है कि uh, इंसान किसी परेशानी की वजह से ही सुसाइड करता है ऐसा नहीं है और भी कई रीज़न्स होते हैं मगर स्पेशली जो डिस्ट्रेस बेस्ड सुसाइड है उनके अंदर जनरली क्या होता है कि इंसान मी फ्रेम में आ जाता है मी फ्रेम क्या होता है कि जिसमें इंसान सिर्फ ये सोच रहा है कि मेरे दुखों का अंत हो जाएगा मेरा पेन एंड हो जाएगा राइट वो ऐसे सोचता है लेकिन सुसाइड करने से वो वो ये नहीं समझते कि सिर्फ आपका पेन एंड एंड नहीं हो रहा बेसिकली वो पेन ट्रांसफ़र हो रहा है किसी और के ऊपर राइट इट इज़ ओनली ट्रांसफरिंग टू सम वन एल्स राइट सो इन एन एल पी आई टीच टू फ्रेम्स मी फ्रेम में जब इंसान सिर्फ खुद को सेंटर पर रख करके सोचता है इकोलॉजी फ्रेम होता है जिसमें इंसान फ्यूचर को भी और मेरे डिसीजन से कौन कौन लोग इम्पैक्ट होते हैं उन सीनारी को भी देख पाता है तो सुसाइडल इंसान कंप्लीटली मी फ्रेम में चला जाता है इकोलॉजी फ्रेम को नहीं देख पाता तो जब आप उसे अगर इकोलॉजी फ्रेम में डाल दो कि इकोलॉजी फ्रेम में विथ योर डिसीजन लॉन्ग टर्म हु विल बी इम्पैक्टेड तो जब आप उसे वो इकोलॉजी फ्रेम दिखा पाते हो तब उसको वहां से बाहर लाना आसान होता है कोई गट रेंचिंग एपिसोड हुआ है आपके और आपके क्लाइंट के बीच में जो आप कभी कभी नहीं भूल पाओगे ऐसा एग्जैक्टली exactly तो मैं नहीं कह सकता बट एक इंसिडेंस मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आ, कोई क्लाइंट जो होता है वो आपसे बड़ा अजीब तरीके से कनेक्ट हो जाता है कई बार ऐसा इंसिडेंस हो जाता है सो वंस देर वॉज वन पर्सन ओके सो समहाव ही आई डोंट नो वॉट हैपन टू हिम बट बाद में उसको ठीक हुआ वो बट कई बार जैसे स्कीजोफेनिया होता है पर्सनालिटी स्प्लिट हो जाती है इंसान की सो वन सच केस वॉज देयर सो ही गॉट जस्ट कनेक्टेड विथ मी ही स्टार्टेड कॉलिंग मी यू आर माई शिवा यू आर माई गॉड दिस दैट अलग अलग प्रोफाइल uh, से मैसेजेस करना और आई थिंक ही वॉज़ फ्रॉम गांधी धाम मेरा एड्रेस नहीं जानता अहमदाबाद के अंदर फिर भी अहमदाबाद आकर के ही स्टार्टेड सर्चिवी कि वेर वेर आई एम मैं कहाँ पे हूँ वहाँ पे पूरा सर्च करने लगा और इस तरीके की चीज़ें फिर उसके फादर का फादर ने कांटेक्ट किया फिर बाद में ये सब जब हो रहा था तो फिर उसके फादर परेशान हो गए उन्होंने फिर कांटेक्ट किया एंड देन उसको हेल्प करके बाहर लाए तो ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी जो कि बहुत स्ट्रेंज होती हैं जिसको टैकल करने के लिए आपको कई बार ध्यान रखना पड़ता है आप मुझे बताइए वन यू लुक बैक राइट इस वक्त क्या आप जब अपने बैटल्स फाइट करते हो आप किसके पास जाते हो अभी तो वक्त इतना हो गया है कि दिन भर मोस्टली मैं एवरी डे एट टू टेन आवर्स आई एम जस्ट कोचिंग एंड इन लास्ट फोर ईयर्स आई हैव टेकन ओनली हॉलीडे ऑफ टू डेज माय गॉड सो देर इज नॉट इवन ए सिंगल डे इन माय लाइफ वेयर आई एम नॉट कोचिंग राइट सो ऐसी कम स्थितियां बन रही हैं लेकिन अगर बाई चांस ऐसी स्थिति बनती है कि थोड़ा एग्जोशन है या कुछ है तो आई वॉच कपिल शर्मा कॉमेडी इज़ माई बूस्टर बूस्टिंग डोज लाइक द आई वॉच कॉमेडी सो दैट्स दैट्स इट आपके स्टार्टअप के बारे में भी प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत अप्रिशिएट किया यस यस टेल अस अबाउट योर स्टार्टअप या माय स्टार्टअप इज कॉम और ये स्टार्टअप कोचेस और ट्रेनर्स के लिए एक इकोसिस्टम बिल्ड करता है जैसे कि नेटफ्लिक्स पे एंटरटेनमेंट है गुनीगुरु पे एजुकेशन है तो कोर्सेज रिलेटेड टू लाइफ माइंड हिप्नोसिस पेरेंटिंग हैबिट मास्टरी हाउ टू बिल्ड फोकस दीज काइंड ऑफ कोर्सेज आर देयर so this startup is totally focusing on life education so most of the people are focusing on school education and we have started focusing on life education it is very important so this is what my startup does so when we inaugurated this startup modi wrote a letter to us and we have uh, uh, shri ganpatbhai patel as our mentor he is a padma Shiri and he is a very big businessman uh, from america and M uh, अपने Uh, गुजरात के हैं जूनागढ़ के हैं गणपत यूनिवर्सिटी भी है उनकी सो so वो भी हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व हैं सो so मोदी जी ने लेटर लिखा इनोगेशन डे पे और ही वॉज वेरी हैप्पी दैट वी प्राउड ऑफ यू यू ब्रदर वेल वेल डन डन थैंक बहुत अच्छा लगता है सुनकर मंत्रा क्या है टू हैंडल फेलियर पहली चीज तो ये कि फेलियर का मीनिंग लोगों को बदलना पड़ेगा संभव ये सोसाइटी स्पेशली <laughs> जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उन्होंने ये मीनिंग डाल दिया कि फेलियर एक बुरी चीज़ है पहली चीज़ तो ये कि फेलियर कहीं से भी बुरी चीज़ नहीं है फेलियर इज़ बेसिकली ये फीडबैक सो वेन एवर वी आर फेलिंग वी आर गेटिंग अ फीडबैक दैट जो भी मेथड हमने किया है उस मेथड से यही रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा सो so अगर हम फेलियर को फीडबैक की तरह लेते हैं और इस तरीके से लेते हैं कि इट हेल्प्स यू टू इवॉल्व इट हेल्प्स यू टू ग्रो तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है फेलियर कहीं से भी नेगेटिव नहीं है इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी तो इस मीनिंग को बदलना जरूरी है और एक और चीज़ मैं यहाँ पे सबको कहता हूँ फेलियर इज एन इवेंट इट इज़ नॉट अ पर्सन सो यू शुड नो से से दैट नॉट यू शुड नेवर दैट आई एम अ फेलियर फेलियर इज जस्ट एन इवेंट सो ये कहना कि मैं एक फेलियर हूँ यही कहना है कि आई एम रक्षाबंधन आई एम दिवाली आई एम होली आई एम न्यू ईयर इट्स एन इवेंट इट्स नॉट अ पर्सन इनफैक्ट दो टाइप्स ऑफ चीज़ें होती हैं जो मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं एक तो कहो हे लाइफ इज टफ यू टू वर्क हार्ड द बैटल्स आउट देयर उसको जीतो गिव अप मत करो और एक लोग कहते हैं क्यों बोलते हो कि आप लाइफ टफ है लाइफ हार्ड है आप क्यों ये नहीं बोलते कि लाइफ इज ब्यूटिफुल इट हैपन टू मी थिंग्स वुड बी ईजी एंड नाइस यू डोंट नीड टू टेक स्ट्रेस लाइफ इज गुड कौन सा अप्रोच लेना चाहिए सी ये आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग यस, व्हाई? बिकॉज़ इफ थिंग्स आर रॉन्ग इन योर रियलिटी एंड इफ यू आर फेकिंग योर पॉजिटिविटी यू आर रिजेक्टिंग द रियलिटी, ओके सो इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव फर्स्ट इट इज अबाउट एक्सेप्टिंग योर रियलिटी, देन ओनली यूल बी एबल टू बी रिसोर्सफुल इंस्टेड ऑफ फेकिंग योर सो पॉजिटिव थिंकिंग कब आना है कि जब आपको पता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो दैन यू हैव टू थिंक पॉजिटिव कि एटलीस्ट मैं पॉजिटिव तो सोच लूँ अदरवाइज यू एक्सेप्ट योर रियलिटी जो रियलिटी में हो रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट करके देन आपको सोल्यूशन निकालना है और कई बार इवन नेगेटिव थिंकिंग इज वेरी गुड तो जब हम मंगल मिशन कर रहे हैं और साइंटिस्ट अगर सब पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे नहीं नहीं सब वहां पे बढ़िया हो जाएगा इट्स नॉट गोइंग टू वर्क यू हैव टू इमेजिन ऑल द नेगेटिव सिनारी सो इट इज़ नॉट अबाउट नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग इफ इट इज हेपनिंग कम्पल्सिवली बोथ आर रॉन्ग बट इफ यू डू इट कॉन्शियसली इफ यू डू नेगेटिव थिंकिंग कॉन्शियसली ये आपको प्लान करने में एक्जीक्यूट करने में फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है ये सभी चीज़ों के लिए प्लान करने में मदद करेगी इर डूइंग इट कॉन्शियसली इफ यू आर डूंग पॉजिटिव थिंकिंग कॉन्शियसली इट विल हेल्प यू एज वेल अदरवाइज इट विल बी ए डे ड्रीमिंग बहुत से लोग डे ड्रीमिंग करते हैं सोफे में बैठे बैठे डे ड्रीम कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग करें इट्स नॉट डूइंग टू हेल्प दें यू डोट बिलीव दिस तो हमेशा क्योंकि मैं हमेशा कभी कमार ऐसे थॉट्स आते हैं मैं सोच अगर ये गड़बड़ी हो जाए वो गड़बड़ी हो जाए तो क्या करना चाहिए एंड वुड यू बिलीव इन दैट सिचुएशन कम्स एम ऑलवेज रेडी टू हैंडल इट यस सी एंड आई फर्स्ट टाइम एम हियरिंग समन से दिस क्योंकि जब भी मैं uh, ऐसा सोचता हूँ तो लोग बोलते पॉजिटिव थिंकिंग सेंड टू द वर्ल्ड ये करो वो सब बोलते रहते हैं और पहली बार मैंने एक इंसान को सुना है जो मुझे ये बोल रहा है क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि आज अच्छा है आई एम इट ऐसा नहीं है कि एंजॉय नहीं कर रहा हूं बट वो मोमेंट्स अगर आए जो मुझे लगता है आ सकते हैं आई शुड बी रेडी टू हैंडल इट एंड आई एम ऑलवेज प्रिपेर्ड फॉर दैट बट बहुत से लोग मेरे इर्द गिर्द कहते हैं नहीं यार पॉजिटिव फेंको पॉजिटिव फेंको भाई एंड यू टोल मी दिस फाइनली मेक्स मी फील गुड अबाउट माई थिंकिंग वॉट यू वॉन्ट ए संट टू इम्पोज एनी थिंग टू हिम ओके आई बिलीव दैट

सपोर्ट सिस्टम पूरा उसके लिए प्रोवाइड करूंगा कि आई एम मेक श्योर दैट ही इज हैविंग गुड हैबिट्स एंड ही हैव गुड वैल्यू सिस्टम दिस आई विल डू बट करियर चॉइस आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स बट बट फ्रॉम वन फादर टू अनदर फादर तो आप अपने बच्चों को क्या बोलते हो लाइफ इज गुड और यू से लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट कर लोगे अभी तो मेरा वाला तो देखो चार साल का है तो अभी तो समझता नहीं है बट आई वोट वोट आई बिलीव इज़ कि जब हम पैदा होते हैं तो तीन ऐसी नेचुरल वैल्यूज़ हैं हमारी जो पैदा होने के साथ हमारे अंदर होती हैं थ्री नेचुरल वैल्यूज बाकी सब हम एन्वायरमेंट से पिक करते रहते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं नंबर वन इज़ क्यूरियोसिटी सेकेंड इज़ जॉयफुलनेस एंड थर्ड इज़ प्लेफुलनेस ये तीन ऐसी नेचुरल क्वालिटी हैं वैल्यू हैं जो कि बच्चा लाता है बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढना चाह रहा है छोटी छोटी बातों में एक बटरफ्लाई भी दिख गई तो ऐसा खुश हो जाएगा कि न जाने क्या मिल गया हो ठीक है और हमेशा बस खेलना चाहता है वस टू प्ले ऑल द टाइम एंड समहाउ एज अ सोसाइटी हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसकी तीनों चीजों को कट कर दें कि कैसे वो अपनी जॉय को खो दे कैसे उसको क्यूरियोसिटी वो खो दे उसको सारे आंसर दे के उसकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करते हैं और फिर खेलना तो बहुत दूर की बात हो जाती है प्लेफुलनेस तो ऐसा सीरियस फैसला लेकर फेस लेकर के सीरियस <laughs> वो बढ़ता रहता है कि बोर्ड का परीक्षा का दबाव है नौकरी का दबाव है इसका दबाव है तो प्लेफुलनेस तो निकल ही जाती है लाइफ से तो एटलीस्ट आई वुड रेकमेंड आई वुड एडवाइज़ माई किड टू हैव ऑल दीज थ्री थिंग्स लाइफ टाइम ये तीन चीज़ें अपने अंदर रखे बस uh, आपकी वाइफ ने क्या रोल प्ले किया है टू शेप यू अ लाइफ कोच सबसे बड़ा जो रोल है वो तो कि थोड़ा सा स्टाइलिश रहना ठीक <laughs> है क्योंकि मैं ये वाइफ के ही कपड़े हैं भाई साहब <laughs> क्योंकि मैं तो ऐसा इंसान हूं कि मैं रोज एक ही टी शर्ट पहन करके चला जाऊंगा yeah. इस तरीके का हूँ तो तो शी टेक केयर ऑफ दैट थिंग यू हैव टू लुक योर फिजिकल अपियरेंस ऑल्सो मैटर और यू हैव टू लुक गुड एज वेल और मे बी यू टेक केयर ऑफ दैट थिंग एज वेल सो आई डोंट फाइंड दैट इंटरेस्टिंग सो शी डज एवरी थिंग फॉर मी एवरी थिंग शी डज़ आई जस्ट गेट टू वेयर ओके ये तुम्हें पहनना ये पहन लो सो वहाँ पर बहुत बड़ा रोल है सेकेंड रोल की जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं तो वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेती है जिसकी वजह से मुझे अपने काम में मैंने जैसे कहा रोज़ एट टू एट आवर्स ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम स्पीकिंग आई एम टेकिंग वेबिनार्स